गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमने ये चैप्टर करेंगे, ठीक है। हमने इसे प्रश्न उत्तर लिखेंगे। हमारा पहला था वंदना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। हमने पहले इसको पढ़ा था, हमने इसको समझा था, उसको हमने फिर शब्दार्थ वगैरह किए। फिर इसके बाद हमने सरलार्थ किए। सरलार्थ करने के बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारा पहला प्रश्न है, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो ऐसा मतलब प्रश्न पहले आपको समझना पड़ेगा, मन का विश्वास कमजोर होना तो ऐसा कवि ने क्यों कहा है। पीछे क्वेश्चन मार्क है, क्यों कहा है। उत्तर, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि ने इसलिए कहा है ताकि जिंदगी में आगे बढ़ते हुए उसका मनोबल कम ना हो या कमजोर ना हो। इसलिए मुझे विश्वास दो, हे भगवान मुझे इसे शक्ति दो, ठीक है बच्चों। हम प्रेयर करते हैं दोनों हाथों को ऐसे, ये दोनों हाथ हमारे, ठीक है, इसको हम दोनों को ज्वाइंट कर लेते हैं, ऐसे प्रेयर करते हैं ना। तो भगवान के सामने हम अपने मन की बात बोलते हैं, जो हमारे अंदर कमी होती है हम वो भगवान के सामने बोलते, कैसे, प्रार्थना करते हुए, ठीक है। तो हम जो चीज हमारे अंदर कमी होती है तो हम भगवान से बोलते हैं, भगवान मेरे अंदर ये कमी है और मेरे को वो चीज मजबूती दो। वो चीज मान लो मेरे अंदर विश्वास की कमी है, तो बोलो हे भगवान मुझको इतना विश्वास दो, मेरे अंदर को इतनी शक्ति दो, ठीक है बच्चों। तो ये हमने ऐसा कविता में पढ़ा था। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, धरती पर हर तरफ क्या और क्यों है। हमारा उत्तर है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना मत बोला अगर बच्चे, पीछे क्वेश्चन मार्क है। उत्तर हमारा, धरती पर हर तरफ अत्याचारी और लाचारी, मतलब एक दूसरे को मारना पीटना, और लाचारी हो जो बेबस होते, जो कमजोर होते उसको लाचार बोलते, ठीक है। अत्याचार और लाचारी है क्योंकि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और लोग डरे हुए हैं। जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो सब लोग डरे हुए होते हैं ना, तो इधर उधर नहीं जाते, सब अपने घरों में रहते, दुबक्के रहते हैं कि हाँ कोई हमें मारपिटाई का हिस्सा ना बना ले, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये क्या है, जो हमारा उसका आंसर है, धरती पर हर तरफ अत्याचार और लाचारी है क्योंकि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का क्या अर्थ है। अभी देखो, सबसे मधुबन क्या होता है, बगीचा। बगीचा क्या होता है, जिसके अंदर फूल खिले हुए हैं और फूलों को देखकर सबको अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही सबका जीवन ये बन जाए मधुमन, तो इसका क्या अर्थ है, सबका जीवन ही बन जाए मधुमन, मतलब सब लोगों का जीवन में इतनी खुशियां हो और लोग एक दूसरे को खुशियां बांटे कि सभी को सभी लोगों का जीवन है वो महकने लगे, बगीचे की तरह, ठीक है, उपवन की तरह। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, सबका जीवन ही बन जाए मधुमन का अर्थ है कि जब हम लोगों में खुशियां बांटेंगे तो सभी लोगों का जीवन बगीचे की तरह महकने लगेगा, सब खुश हो जाएंगे। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, धरती पर बोझ कैसे बढ़ रहा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या है इसमें, क्या है, धरती पर पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, ऐसे है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, धरती पर पाप का बोझ बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थों को, अपनी जरूरतों को, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं और किसी के मन में ममता नहीं है। ममता होता है, प्रेम होता है ना, तो वो किसी के मन में नहीं, इसलिए धरती के ऊपर बोझ बढ़ता जाता है। मतलब जब चारों तरफ है लड़ाई झगड़ा होगा, एक दूसरे को मार रहे होंगे, तो क्या हमारी धरती के ऊपर क्या, किसका बोझ बढ़ेगा, पाप का बोझ, ठीक है बच्चों, नहीं है। आपको बोल बोल कर पूरी लाइन बोलकर पढ़कर उसके बाद फिर आपको लिखना है, और जब आप लिख ले एक लाइन तो उसके बाद आपको वो पूरी लाइन फिर दोबारा पढ़ने चेक करनी है कि कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इस प्रार्थना में हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना कर रहे हैं। प्रश्नवाचक, उत्तर क्या है इसका, इस प्रार्थना में हम ईश्वर से अच्छी जिंदगी की कामना करते हैं, ठीक है।
जिसमें किसी से कोई वैर ना हो, वैर ना हो क्या होता है वो, दुश्मनी ना हो, दुश्मनी ना हो और हमारे मन में भी बदले की भावना ना हो। ठीक है, कई बार इंसान क्या करता है कि बदले की भावना, उसने ऐसे किया मैं भी ऐसा करूंगा, उसने किया मैं भी ऐसा करूंगा, ऐसे करते करते जो हम भगवान ने जो अच्छे इंसान बनाए हैं तो वो क्या है, तो इसमें हम है दूसरे की बुराई करते करते हम खुद भी बुरा बनते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, दुश्मनी ना। तो इस प्रार्थना में हम ईश्वर से अच्छी जिंदगी की कामना करते हैं जिसमें किसी से कोई वैर या दुश्मनी ना हो और हमारे मन में भी बदले की भावना ना हो, इस प्रकार हम अच्छे रास्ते पर चले। इसलिए बच्चे बोलते हैं कि हे भगवान हमें इतनी शक्ति देना, हमारे पास शक्ति की कमी है तो आप हमें इतनी शक्ति देना ताकि हम जिंदगी के रास्ते पर चलते हुए हमारा मन कमजोर ना हो। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक बता दूं, भगवान से हम हमेशा मांगते ही नहीं, आपको लगता है कि हमें मांगते हैं, मांगते भी हैं, लेकिन क्या करते हैं हम उसमें अपने मन की बात भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और हम जो हमारे अंदर जो कमी होती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर ये कमी है उसको पूरा करो। तो अब आप आगे अब प्रार्थना करते हुए तो आप इस बात का ध्यान रखना कि आपकी प्रार्थना भगवान के पास पहुंचने लग रही है। ठीक है बच्चों, और आप आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इसको एक बार सारे को पढ़ना, ठीक है, और आज अपना इसकी राइटिंग साफ साफ करना, सुंदर सुंदर राइटिंग में करना इसको। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।